हेलो हेलो। हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। आपको खाना है ना? हाँ बताइए। हाँ ओ भाई, हम मेघालय से बोल रहे हैं। मेघालय मेघालय बोल, आप जानता है ना क्या भाई, हिंदी बोलो मेघालय? हिंदी। हाँ मेघालय मेघालय। हाँ मेघालय। हाँ, हाँ, वहां से हम फोन करा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप खैरियत से? आप आपको हम मिला है, यूट्यूब से मिला है ना, अच्छा, आपका नाम? यूट्यूब पे। हमारा नाम नजरुल इस्लाम है, अच्छा, नजरुल इस्लाम। अच्छा, नजरुल इस्लाम भाई जी, बताइए। हमको एक तो मसला जानना है। हाँ, तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई आदमी कोई सूरह नाच पड़ेगा ना, हाँ उसका बाद माने दो रकात में सूरह बकरा पड़ेगा ना, वो नमाज होगा ना नहीं होगा? मतलब आप ये हेलो। पूछ रहे हैं कि नमाज में अगर कोई सूरह फातिहा के बाद सूरह नास पढ़े, ना ना, सूरह असुरा निशा। सूरह निसा? हाँ हाँ, उसका बाद रकात दो रकात में, दो नंबर रकात में सूरह बकरा पड़ेगा तो नमाज होगा या नहीं? हाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। हमारा एक एक आदमी के साथ इधर में लगा हुआ है ना, वो बोलता है नहीं होगा, वो क्यों बोलता है नहीं होगा, वो बोलता है नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, मसला क्या? असल में ये है कि देखिए, कुरान को तर्तीब से पढ़ना चाहिए, ठीक है? हाँ, यानी कि जो जो सूरत पहले आई हुई है, जैसे हाँ सूरह सूरह नंबर एक सूरह अल फातिहा, सूरह नंबर दो सूरह अल बकरा, सूरह नंबर तीन सूरह आल इमरान, सूरह नंबर चार सूरह निसा, ठीक है? तो इस तरीके से जो तर्तीब है, उस तरीके से सूरों को अगर अपनी रकातों की नमाज की तर्तीब में अगर आप पढ़ते हैं, यानी कि जो पहली रकात है उसमें जो पहली सूरा जो आई हुई है कुरान में, पहले उसको पढ़िए, ठीक है? दूसरी मतलब जो आपकी रकात है उसमें जो उसके बाद वाली सूरा है उसको पढ़िए। इसको बोलते हैं तर्तीब कुरान की। सीरियल। हाँ, सीरियल वाइज अगर आप पढ़ते हैं तर्तीब के साथ तो ये बेहतर है। लेकिन अगर तर्तीब अगर आगे पीछे हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई पहले सूरे आल इमरान पढ़ लेता है और बाद में पढ़ लेता है सूरे अल बकरा, तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो नमाज हो जाएगी। नमाज हो जाएगी, उसका भी दलील होगा ना? हाँ देखिए, नमाज कब नहीं होती ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। ना उसको उसको हमको दलील देना है ना, वो नहीं मानता है ना, इसलिए हमको दलील चाहिए। तो आप कहिए, हमको दलील दीजिए भाई। अगर देखिए, ये आपका हदीस आती है बुखारी शरीफ में और इसका जो हाँ बाब है, चैप्टर है, उसका नाम है किताबुल अजान और हदीस अच्छा का नंबर है 756। अल्लाह के नबी अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो अगर कोई नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहा है तो नमाज उसकी नहीं होगी। लेकिन अगर वो सूरह फातिहा पढ़ रहा है लेकिन पहले उसने पढ़ लिया सूरह आल इमरान पढ़ लिया और दूसरी उसने रकात में सूरह अल बकरा पढ़ लिया, तो उससे नमाज उसकी हो जाएगी। भले जो तरतीब है वो ऊपर नीचे हो गई इस सूरा में, लेकिन नमाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बेहतर ये है कि तरतीब के साथ पढ़े, लेकिन ये वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है कि नहीं आपको तरतीब के साथ ही पढ़ना है। ये बात जो मतलब जाहिल हनफी मुकल्लिद है उनका ये मानना है कि नहीं, कुरान की सूरे की तरतीब अगर उलट पलट गई तो नमाज आपकी नहीं होगी। ये इसकी उनके पास कोई दलील नहीं है। ये जाहिल लोग का बात है, तो ये तो साला मुकल्लिद है ना। जी जी मुकल्लिद। इन लोग को समझता नहीं है ना। जी जी जी, इन लोग का साथ तो नमाज पढ़ना भी नाच चलना भी बहुत मुश्किल है ना इधर में। जी जी जी, इसलिए तो हम आपको फोन किया है ना, अगर उसका कोई दलील होगा तो हमको मिलने से अच्छा होगा, अगर उसको हम दे देगा ना, इसलिए फोन किया था आपको। देखिए, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे इंशाल्लाह सारी बात मतलब भाई समझ जाएंगे, ठीक है? जैसे कुरान में, ठीक है, सूरे लहब, इसका सूरा नंबर है 111, यानी कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, ठीक, यानी जो सूरा है ना इसको बोलते हैं सूरे लहब। इसका इसका जो कुरान में जो इसका जो नंबर है सीरियल का, तो ये जो मतलब जो सूरा है
वो आती है 111 नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद वाली जो सूरह है वो है सूरह 112, उसका नाम है सूरह अल इखलास, यानी कि कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह समद, ठीक है। अब मानिए आपने दो रकात वाली भाई आपने पढ़ी नमाज, और आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने पढ़ ली सूरह नंबर 111, और दूसरी रकात में आपने पढ़ ली सूरह नंबर 112, यानी कि पहली रकात में आपने पढ़ लिया तब्बत यदा, दूसरी में आपने पढ़ लिया कुल हुवल्लाह अहद, तो ये बेहतर है। अच्छा, क्योंकि आपने नमाज की जो रकात थी उसमें जो तरतीब से जो सूरह आपने पढ़ी वो कुरान की तरतीब से पढ़ी, बिल्कुल सीरियस वाइल, मतलब जो जो उसका जो वो सीरियल नंबर है, जो सूरह नंबर है उसके हिसाब से आपने पढ़ी, तो ये अच्छी चीज है, बेहतर है। लेकिन अगर आपने दो रकात वाली नमाज पढ़ी और उसमें पहली रकात में सूरह अल फातिहा के बाद आपने सूरह नंबर 112 पढ़ ली, और दूसरी जो आपकी रकात है उसमें आपने सूरह अल फातिहा के बाद आपने सूरह नंबर 111 पढ़ ली, यानी कि जो तरतीब थी वो ऊपर नीचे हो गई, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ आए? हाँ, ये सुनिए, तो हम लोग, हम तो मेघालय में रहने वाला है ना, हाँ, तो हमको तो इतना उर्दू और हिंदी तो आता नहीं है ना। जी जी जी, तो हम तो जब हमको, हम आपको फोन करेगा ना, हाँ, जब हम आपको जब फोन करेगा आप उठाएगा तो ना। हेलो, क्या करे? आपको कुछ जानने के लिए आपको फोन करेगा तो आप उठाएगा तो ना। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि आपको कुछ जानना होगा तो फोन मैं उठाऊंगा कि नहीं? आपको फोन करेगा हम? हाँ, मुझे अगर आप फोन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह अगर फारिग होऊंगा तो उठा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ये हम यही बोल रहा है ना, आपको हमारा बात मालूम होगा ना, मालूम हो रहा है ना, मालूम हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत मालूम हो रहा है। हाँ, तो हमको इतना हिंदी नहीं आता है ना। अरे कोई मसला नहीं, अल्लाह सुबहानो ताला ने हम इंसानों को अलग अलग कबीलों में अलग अलग भाषाओं में बांटा है, लेकिन हम है तो एक ही उम्मत थी ना, एक ही आदम की औलाद से हैं, तो कोई मुश्किल नहीं। तो आप आलिम है ना? नहीं भाई, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं छोटा सा एक दीन का दाई हूँ, और मैं आपको कहता हूँ तालिब इल्म। आपको, आप तो इस्लामिक शोभा करता है ना? नहीं, शोभा मजलिस, मतलब क्या कह रहे हैं? दीन का शोभा, शोभा नहीं मजलिस, मालूम है कि नहीं? दीन का शोभा, हाँ हाँ, मजलिस करता है नहीं या नहीं? मतलब भाई थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। वास, वास, वास करता है कि नहीं? वास, वास दीन के लिए वास करता है कि नहीं? आदमी को इकट्ठा करके दीन का बात सुनाता है कि नहीं? आप आदमी को इकट्ठा करके, अच्छा दीन की बात, हाँ दीन की बात तो होती रहती है, फोन पे भी आमने सामने भी। नहीं सर, शोभा करके, मजलिस करके, मजलिस मजमा करके, मजमा मजलिस ना, कि लोगों को इकट्ठा करके दीन की बात बताना। हाँ, वैसा कोई खास तो नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे मान लो दोस्त लोग जमा होते हैं तो दीन की बात चालू हो जाती है। ना ना, आप हम लोग काम इजाज़त से आपको इनवाइट करेगा तो आप आएगा मेघालय में? नहीं देखिए भाई, ये सब काम जो है ना, ये आलिमों का है, जो उलमा आते हैं, तकरीर करते हैं। हम लोग का इधर इधर में बहुत आलम है, आप समझिए। जी जी, हम लोग का इधर में बहुत आलम है, लेकिन ये लोग का वही है ना, कुरान हदीस से बाहर का है ना। अच्छा, इधर में यही प्रॉब्लम है ना, इधर में वो लोग तो मजहब का बहुत पूरा माने की है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग का इधर कुरान हदीस का खुद कम होता है ना, कम नहीं। अगर मेघालय में अगर आप कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, तकरीर करवाना चाहते हैं, तो भाई हम तो तकरीर करते नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आलमे दीन है मौलाना, मौलाना वो मतलब
बहुत सारे मौलाना हैं जिसमें जो टॉप के आलम दीन हैं अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्ला, मौलाना जजीज हाफिजुल्ला, मौलाना महफूजुर रहमान मदनी हाफिजुल्ला, तो बहुत सारे आलम दीन हैं। तो अभी तो ये अपना ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोरोना वोरोना इंशाल्लाह पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह बताइएगा तो करवा देंगे प्रोग्राम, क्या दिक्कत है? हम लोग का घर में आने की क्या जोर बहुत बड़ा है ना, बड़ा जोर है भाई, सारा जोर खत्म हो जाएगा, क्यों टेंशन ले। अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाता है कुल जिया लहक वजा के बातिल इन्ना लबातिल का नजहू का, जब हक आता है तो बातिल खत्म हो जाता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, कुरान हदीस के सामने अच्छो अच्छो की हवा टाइट हो जाती है ना। वो लोग तो ठीक है ना, लेकिन इन लोग को इलम है ना कुरान हदीस का, वो लोग तो धीरे धीरे सीखेंगे तभी तो आएगा ना भाई, कोई माँ के पेट से तो ना सीख के आया है। हाँ वही तो ना, हम लोग को वो दिन का कोशिश करना है ना, नहीं तो कैसे समझेगा ना। अच्छा अच्छा, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेगा। हम लोग का इलाका में हम ही है एकमात्र अकेले, अकेला है ना। अच्छा अच्छा, इतना आदमी नहीं है, जो एक तो आता है फिर भी नहीं आता है, वो लोग तो वहाँ डरता है ना। अच्छा, मेरा नंबर आपको मतलब कहाँ से मिला? यूट्यूब पे मिला, यूट्यूब। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको खाप नहीं पाया है ना, आपको बुरा लगा है हम फोन किया आपको? नहीं भाई, कोई बुरा नहीं लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक भाई है जो अकेला है, वो दिन सीखना चाहता है, कोई मुश्किल नहीं, हम आपके साथ हैं और हमारे तमाम उलमा आपके साथ हैं, आप आराम से इल्म हासिल कीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल पूछिए, अगर कोई आपको परेशान करता है उल्टे सीधे अगर आपसे सवाल करता है तो हमारी उससे बात करवा दीजिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, तब तक इंशाल्लाह जिंदा है, तब तक आप लोग के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के। तो ये कभी ना सोचिएगा कि मैं किसी से नाराज हो रहा हूँ। ये जो नंबर दिया है ये हमारा नंबर है। अच्छा, इस नंबर से व्हाट्सएप पे हैं आप? ये हमारा नंबर है। अच्छा, तो आप मेघालय आपको क्या कहता है? मेघालय स्टेट। अच्छा अच्छा ठीक है, मेघालय स्टेट तो आसाम का एक टुकड़ा है ना। अच्छा अच्छा, मेघालय। अच्छा अच्छा, मेघालय। हाँ चलिए, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं भाई, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको जो भी परेशानी होगी आप बात करते रहिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत माने थैंक्स। मगरिब का टाइम हो रहा है ना। हाँ मगरिब का टाइम हो रहा है, सही बात है, इसलिए हम रखता है। चलिए ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।